और इसी बीच एक बहुत बड़ी जानकारी यूक्रेन के खार्किव से मिल रही है, जहां पर भारी बमबारी के बीच एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। दुखद खबर है। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की है। जो भारतीय छात्र बताया जा रहा है वो कर्नाटक का रहने वाला था। तो ये बड़ी जानकारी और दुखद खबर। हालांकि विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके इस खबर पर दुख जताया है। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग है वो आज छठे दिन भी जारी है। ऐसे में तमाम भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं। भारत सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जैसे भी करके आप कीव से निकलें और जो भी साधन आपको उपलब्ध हो उससे बॉर्डर पार करें। ऐसे में भारत सरकार द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन गंगा को और तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द वहां फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाया जा सके। लेकिन इसी बीच ये दुखद खबर सामने आई। सुबह गोलाबारी में एक मासूम की जान चली गई है। एमबीबीएस का फोर्थ ईयर का छात्र बताया जा रहा है, कर्नाटक का रहने वाला था। तो यूक्रेन के खार्किव में गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहरा दुख के साथ हम कह रहे हैं कि आज सुबह खार्किव में गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई। मंत्रालय उनके परिवार के संपर्क में है। हम परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि विदेश सचिव रूस और यूक्रेन के राजदूतों को भारतीय नागरिकों के लिए तत्काल सुरक्षित मार्ग की हमारी मांग को दोहराने के लिए बुला रहे हैं। भारतीय अभी भी खार्किव और अन्य संघर्ष क्षेत्रों में शहरों में मौजूद हैं। इसी तरह की कार्रवाई रूस और यूक्रेन में हमारे राजदूतों द्वारा भी लगातार की जा रही है। मृतक भारतीय छात्र की पहचान कर्नाटक के हावेरी जिले के नवीन एसजी के रूप में हुई है। इससे पहले खार्किव क्षेत्र प्रशासन के प्रमुख ओले सिनेमहोव ने बताया था कि रूस ने खार्किव के बीचों बीच आवासीय इमारतों के साथ एक प्रशासनिक इमारत पर मंगलवार को गोलाबारी की। और इसी बीच सुबह ये दुखद खबर सामने आई, जिसकी पुष्टि अब विदेश मंत्रालय ने की है।